हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ उत्तराखंड बोर्ड का जो साइंस का जो पेपर पैटर्न है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी यूनिट आपके लिए फायदेमंद है, सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो चैनल पर मेरे साथ बने रहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, तो दोनों ही इस चीज़ को देखें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 नंबर थ्योरी और 20 नंबर इंटरनल असाइनमेंट। हालांकि साइंस में तो पहले से ये प्रोसेस चलती आ रही है, ठीक है। आगे आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ आपने करना क्या है। यहाँ पे देखेंगे आपको 5 यूनिट में इन पेपर को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला केमिकल सबस्टेंस यानी आपका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अगला आ रहा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स यानी जो आपका बायो वाला पोर्शन है वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा स्कोर आपको जो नंबर करने के लिए दिए गए हैं केमिस्ट्री और बायो के ही हैं। आप यहाँ देखें 45 मार्क्स आपके इन दो यूनिट्स के ही हैं। अगर बच्चा पास होना चाहे तो इन दो यूनिट्स को अच्छे से तैयार कर ले, बिल्कुल अच्छे से पास हो जाएगा। उसके बाद देखो नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपके लास्ट वाले चैप्टर हैं, ये भी आपके बायो से रिलेटेड हैं। कुछ केमिस्ट्री के अंदर भी इनको इंक्लूड किया, जैसे एवरीडे लाइफ वगैरह वाले हो गए, ये सब जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपके बायो के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। इन चैप्टर को बायो के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, जो जैसे फूड चैन वाले हो गए, ट्रॉपिकल वो जो आपके लेवल ट्रॉपिक लेवल वाले हैं वो सब इसी के अंदर आपके आ जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप देखते हैं जो आपके फिजिक्स के आपके दो चैप्टर हैं, इफेक्ट ऑफ करंट एंड लाइट वाला जो चैप्टर है, ये आपके 24 नंबर के चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये आपके जो दो चैप्टर यानी यूनिट्स हैं इफेक्ट ऑफ करंट एंड लाइट। देखो लाइट के अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं, जैसे आपका आ जाएगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड ह्यूमन आइज, और इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर आपका मैग्नेटिज्म वाला और इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो चीज़ आप पहले क्लियर कर सकते हैं उस चीज़ को आप ज़रूर पढ़ें पहले। मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले देखो रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आइज वाला चैप्टर काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छे से आपको याद हो सकता है, उसको पढ़ लें। उसके बाद देखो आपका जो करंट इफेक्ट ऑफ करंट है, करंट इफेक्ट ऑफ करंट में आप मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर अगर रोक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें से अगर कुछ पोर्शन को रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक करंट वाले को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से ही सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से वाले की बात कर रहा हूँ इस चीज़ को समझना, जिसमें रेसिस्टेंस वाला जो है ओम्स लॉ है, ये चैप्टर आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री का आप देखेंगे, केमिस्ट्री में जो है एसिड बेस वाला जो चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, इन चैप्टरों को आप बिल्कुल ही स्किप ना करें। फिर उसके बाद कार्बन कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है उस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि इनसे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो में लाइफ प्रोसेस हो गया आपका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, और हेरिडिटी और इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि साइंस के कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो इसी तरीके से जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन से आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, हर चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।